बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमिन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई है। यूहन्ना 3:1-8 आयाते मुकद्दसा। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नामी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त उसके पास आया और उससे कहा, रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक तो खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई असर नो पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या दोबारा वो अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जसद से पैदा हुआ है वो जसद है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताजुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नो पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। कराची पाकिस्तान से शकील रॉबर्ट का सलाम आप सबको पहुँचे। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज के अंजील मुकद्दस में हमने सुना कि एक फरीसी यहूदी शरा आलम का सरदार, शरीयत कौंसल या मजलिस का मुनसिफ, रात की तारीकी में यसू से मिलने आता है। उसकी रात की तारीकी में आने का मकसद या वजह फकी और फरीसियों की यसू से नफरत और मुखालफत थी, क्योंकि यसू इन्हें सफेदी फिरी हुई कब्रें, जीरे को छानने वाले और ऊंट निगल जाने वाले और सांप के बच्चों से तशबीह देते थे, और सबको बताते थे कि इनके नेक काम सिर्फ दिखावे के हैं लेकिन इनके दिल खुदा से दूर हैं। इसलिए फकी और फरीसी अब तक यसु पर ईमान नहीं लाए थे। ये पहला फरीसी निकोदीमस, जिसके नाम का मतलब आम लोगों की फतह है, यसु से रात की तारीकी में लोगों से छुप कर मिलने के लिए आया और आकर इकरार किया कि ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो काम तू करता है कोई कर नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो मेरे जिजो, यसु ने उसे जवाब दिया कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, नए सिरे से पैदा होना तोबा और तब्दीली का सबब है। जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करते हैं, पुरानी ज़िंदगी से टर्न लेते हैं, बिल्कुल यू टर्न लेकर नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, तो उसका मतलब नए सिरे से पैदा होना है। जब हम तौबा और तब्दीली के ज़रिए और यसु पर ईमान लाते हुए, क्योंकि यसु पर ईमान लाए बगैर हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते, उसके बगैर, यसु पर ईमान लाए बगैर नए सिरे से पैदा होना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 12:13 आयत में यूं लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक्तदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने,
यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। तो यीशु मसीह के बगैर, उस पर ईमान लाए बगैर, हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते, हम पानी और रूह से पैदा नहीं हो सकते। उस यीशु हकीकी दरवाज़ा है, वो ही हकीकी दरवाज़ा है। उसने कहा, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो यीशु ही वो हकीकी दरवाज़ा है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है, जो हमें आसमान की बादशाहत की तरफ लेकर जाता है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में आज हमने पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, भेजा, ताकि वो दुनिया में जाकर अपनी जान का नजराना देकर, सलीबी मौत बर्दाश्त करके, हमें हमेशा की ज़िंदगी अता करे और उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करे, हमें निजात बख्शे, ताकि हम बाप की तरफ वापस लौटने वाले हों। उस दरवाज़े को जो बंद हो चुका था, यीशु ने अपने खून और अपनी कुर्बानी के ज़रिए उस बंद दरवाज़े को खोल दिया। तो मेरे अज़ीज़ो, नए सिरे से पैदा होना, जब हम फिज़िकली पैदा होते हैं, हमारी बर्थ होती है, तो उसमें हमारा अपना कोई किरदार नहीं होता। लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो फिर सरासर हमारा अपना किरदार होता है। जो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब तक हम सच्ची सच्ची तौबा ना करें, अपनी पुरानी ज़िंदगी से फ़र्क ना करें, पर ईमान लाए बगैर नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ो, निकोदीमस यहूदी शरा का उस्ताद था, पुराने अहदनामे से अच्छी तरह वाकिफ था, पुराने अहदनामे को जानता था, कलाम से वाकफियत थी, उससे पढ़ा था, उससे दूसरों को सिखाता था। तो वो जानता था कि हिज़कियेल उसके 11वें बाब की 18वीं आयत में, और फिर हिज़कियेल 36 बाब उसकी 25वीं आयत में इसराइल के घराने की बहाली का ज़िक्र खुदा ने किया है कि वो किस तरह जो है वो इसराइल के घराने को बहाली बख्शेगा, उनके गुनाहों को, उनकी गंदगी को पानी से किस तरह धोएगा और उन्हें किस तरह रूह में नई ज़िंदगी बख्शेगा। फिर उनकी ज़िंदगी वो इंसानी गोश्त की नहीं बल्कि रूहानी होगी, वो अपने रूह में से उन्हें देगा और बख्शेगा। तो वो इस कलाम को जानता था, समझता था, इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए यीशु से उस हकीकत को जानने के लिए रात की तारीकी में उससे मिलने आया और यीशु से गुफ्तगू की, मुकालमा बाजी की और बहुत सी बातें उससे जानना चाहीं। यीशु ने उसे सब बताया और सिखाया। उसे बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही थी, तो यीशु ने उससे कहा, ये तो मैं तुम्हें ज़मीन की बातें बता रहा हूँ, अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे। तो मेरे अज़ीज़ो, यीशु ने उसे पानी और रूह से भरपूर ज़िंदगी की दावत दी और निकोदीमस यीशु पर ईमान ले आया। और बाद अज़ा हम देखते हैं कि उसने यीशु को जब सलीब से उतारा गया और
यसु सलीब पर मरा, तो फिर यूसुफ रामती के साथ मिलकर निकोदिमस ने ही पिलातुस से यसु की लाश मांगी और उसे कफनाने और दफनाने का सारा बंदोबस्त किया। तो ये निकोदिमस ही यूसुफ रामती के साथ साथ था और दोनों ने मिलकर, क्योंकि यूसुफ रामती एक अमीर शख्स था, तो दोनों ने मिलकर यसु के कफन और दफन की तैयारी की। फिर मेरे जीजों, निकोदिमस के बारे में हमें तारीख और किताबें बताती हैं कि यसु पर ईमान लाने की वजह से निकोदिमस के साथ यहूदियों ने जो बर्ताव किया, उसे तमाम यहूदी ओहदों से खारिज कर दिया और उसकी तमाम इमलाक उससे छीन ली गई, यहाँ तक कि उसकी बेटी ने बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी और बाद अज़ां निकोदिमस को कत्ल कर दिया गया। यसु पर ईमान लाने के सबब से, यसु को कबूल करने के सबब से उसे कत्ल कर दिया गया। तो मेरे जीजो, नए सिरे से पैदा होना, पानी और रूह में पैदा होना, हमें यसु पर ईमान लाए बगैर, यसु को कबूल किए बगैर मुमकिन नहीं। आज के अंजील मुकद्दस हमें ये बताती और सिखाती है कि यसु में हमेशा की ज़िंदगी है, वही निजात का दरवाज़ा है, वही हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा है। हम यसु पर ईमान लाते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, उसे पा सकते हैं, जिसका वादा उसने अपने चाहने वालों से किया है, यसु मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।